रहा है डीवीजी भाई। मैं मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन पता चला था कि डीवीजी में भी रिक्वायरमेंट चल रहा है डीवीजी, क्योंकि मैं यहाँ आया तो यहाँ पे बता रहा है कि फरवरी तक कोई चांस नहीं है, फरवरी तक डीवीजी में रिक्वायरमेंट का कोई चांस नहीं है, फरवरी के बाद आप आ सकते हैं। नहीं देखूंगा, टीएचडी में लगभग मैं आज से एक मंथ पहले रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट भी कंपनी में काम तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे पेमेंट आप लोगों को बता दूँ, अगर डिप्लोमा है तो आपका बेसिक पे सैलरी 8 घंटे का 14,000 बन जाएगा। फिर ओटी सबसे ज़्यादा है 120 रुपये घंटा, और यहाँ पे 10th 12th हो हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। सैलरी यहाँ का जो रेट है 10,244 आपको वही 10,244 मिलेगा, और ओटी जो है डबल है। वेलकम बैक भाई माई यूट्यूब चैनल। और देखिए अभी मैं फिलहाल ये आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है डीवीजी भाई। मैं मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन पता चला था कि डीवीजी में भी रिक्वायरमेंट चल रहा है, डीवीजी टीएचडी में रिक्वायरमेंट चल रहा है, तो मैं आ गया भाई कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो भाई कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन अगर पता चलता है तो आप उस पर जो है पूरा पहले कंफर्म कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आया तो यहाँ पे बता रहा है कि फरवरी तक कोई चांस नहीं है, फरवरी तक डीवीजी में रिक्वायरमेंट का कोई चांस नहीं है, फरवरी के बाद आप आ सकते हैं डीवीजी में भी टीएचडी में भी। तो भाई अभी मैं आया और घूम लौट के जा रहा हूँ, मेरे साथ एक भाई भी है और आए थे, सोचते हैं इनको जॉब यहाँ लगवा देंगे, क्योंकि आप लोगों को इससे पहले ही बताए थे टीएचडी में पेमेंट बहुत अच्छा है और डीवीजी में पेमेंट अच्छा है। तो डीवीजी में कुछ लड़का से मैं रिव्यू लिया था तो बोला था वर्क थोड़ा हार्ड करना पड़ता है और टीएचडी में उससे अच्छा है, तो मैं सोचा था टीएचडी में ही देखूँगा। टीएचडी में लगभग मैं आज से एक मंथ पहले रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट हुआ था और अभी भी मुझे पता चला था टीएचडी में रिक्वायरमेंट चल रहा है, लेकिन टीएचडी में रिक्वायरमेंट है नहीं, डीवीजी में भी नहीं है। तो भाई पेमेंट यहाँ अच्छा था इसलिए मैं लेकर आए थे, कोई भी कंपनी में काम तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे पेमेंट आप लोगों को बता दूँ, अगर डिप्लोमा है तो आपका बेसिक पे सैलरी 8 घंटे का 14,000 बन जाएगा। और ओटी भाई यहाँ पे ओप्पो वीवो के बाद यहीं पे ओटी सबसे ज़्यादा है 120 रुपये घंटा। ओप्पो वीवो में आपको 140 मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो है 120 रुपये घंटा है। ओटी कभी कभी चलता है तो पूरा मतलब 2-4 महीना लगातार चलता है, तो उस महीने में लगभग 25-30 हज़ार आप इस कंपनी में रिसीव कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ओटी चलता नहीं है और अभी आए थे रिक्वायरमेंट के लिए लेकिन हुआ नहीं। और भाई यहाँ पे 10th 12th हो हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस भी होगा। सैलरी यहाँ का जो रेट है 10,244 आपको वही 10,244 मिलेगा, और ओटी जो है डबल है। डिप्लोमा है तो 120 रुपये घंटा, और 10th हैं तो आपको लगभग में 97-98 के करीब आता है, 97-98 रुपये घंटा मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा कंपनी है भाई, जैसे TDK है, TDK में हमेशा रिक्वायरमेंट चलते रहता है, अगर आप यहाँ आते हैं तो TDK गेट पे जा सकते हैं। और बहुत सारे कंपनी है जहाँ की रिक्वायरमेंट हमेशा चलती रहता है, तो आप TDK जाइएगा, TDK के अगल बगल बहुत सारे इंडस्ट्री एरिया, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। अगर यहाँ भी आते हैं तो देखिए मेरे पीछे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क के जस्ट बैक साइड आप जाइएगा तो कोपारो मारुति है, और कोपारो मारुति के जस्ट बगल में केवल ये मतलब बहुत सारी कंपनी है। तो आप TDK के बगल में मतलब TDK के जस्ट सामने बैक साइड ये जयपुर और दिल्ली हाईवे है, हाईवे क्रॉस करिएगा तो उस साइड बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, मतलब कोपारो में भी जाइएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं रेट आप लोगों को बता दूँ 10,244 रहेगा। ये देखिए यहाँ पे अगर आते हैं तो ये मोडलमा बहुत बड़ा बोर्ड आप लोगों को दिख जाएगा, और यहाँ पे अगर DBG TDK में हो गया सैलरी अच्छा खासा मिल जाएगा। और वर्क भाई मोबाइल बनता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं मोबाइल में क्या वर्क करवाएगा। तो आप आ सकते हैं, अगर आगे रिक्वायरमेंट आता है तो मैं इन्फॉर्म जरूर आप लोगों को करूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पर बने रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, मैं रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊँगा। चलिए मैं मिलता हूँ इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गाइस आप देख रहे हैं डीवीजी कंपनी, और देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं डीवीजी का कितना सारा बस लगा हुआ है, आप यहाँ से रेवाड़ी तक जा सकते हैं। एक्चुअली यहाँ आए थे, पता तो था रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आए थे गेंद से पता करने के लिए रिक्वायरमेंट है कि नहीं डीवीजी में, और TDK में पता किया, DVG में पता किया, दोनों में भी रिक्वायरमेंट भाई नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो सब गलत कहता है। अभी देखिए हम लोग यही मतलब ये DVG गेट नंबर 1, अभी मैं फिलहाल हूँ गेट नंबर 2 पे, आप लोगों को दिख रहा है DVG गेट नंबर 1, और गेट नंबर 4 पे जाइएगा तो वो TDK कंपनी हो जाता है, गेट नंबर 4 के बगल में TDK कंपनी, तो वहाँ भी गया था, वहाँ भी पता किया तो बोला अभी फरवरी तक कोई रिक्वायरमेंट का चांस नहीं है।